युद्ध, वही युद्ध जिसकी चेतावनी मैंने कौरव सभा में दी थी, वही युद्ध जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी दूर दृष्टि से छीन लिया था। अब वह युद्ध हमारी चौखट पर आ खड़ा हुआ था। हाँ, इस युद्ध को टालने के लिए अनेक प्रयास किए गए। युद्ध रोकने का एक प्रयत्न महारानी कुंती ने भी किया था, जो कि मुझे युद्ध के बाद पता चला था। कर्ण, जो कौरवों का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति था, माता कुंती का विवाह पूर्व का पुत्र था। कुंती ने कर्ण से भेंट करके उसे पांडवों के पक्ष में करने की ठानी थी और वे गुप्त रूप से कर्ण से मिलने गंगा किनारे पहुंचे थे। सूर्यास्त हो रहा था, कर्ण सूर्य पूजन में लीन था। भर्गो देवस्य नमस्कार, मैं कर्ण हूँ, सारथी अधीरथ का पुत्र। यहाँ गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान सूर्यदेव का पूजन कर रहा हूँ। देवी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? वत्स, जिन सूर्यदेव की तुम पूजा कर रहे हो उनसे तुम्हारा संबंध मेरे द्वारा ही बना है। मैं कुछ समझा नहीं, किंतु आपकी आंखें मुझे इस प्रकार विगलित कर रही हैं, जैसे सूर्य की किरणें हिमशिखर को गलाती हैं, और आपका स्वर मुझ में एक उदासी पैदा कर रहा है। हे देवी, मुझे बताएं कि क्या कोई रहस्य है जो मुझे आपके साथ जोड़ता है? थोड़ा धैर्य रखो वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी दूंगी, किंतु तब तक यही जान लो कि मैं कुंती हूँ। कुंती? अर्जुन की माता? हाँ, तुम्हारे शत्रु अर्जुन की माता। पर यह जानकर तुम मुझसे घृणा मत करना, मुझे अब भी याद है हस्तिनापुर की उस शस्त्र प्रतियोगिता में तुमने बड़े साहस के साथ अखाड़े में प्रवेश किया था। उस समय एक दुखिया स्त्री वहीं पर्दे के पीछे राजघराने की स्त्रियों के साथ बैठी थी। उसकी भीगी आंखों में तुम्हारे लिए आशीर्वाद था। हाँ, वह अर्जुन की माता ही थी। जब आचार्य ने तुम्हें नीच कुल का कहा था और तुम मौन खड़े रहे थे, तुम्हारी क्रोध और लज्जा के कारण उस स्त्री के हृदय में अग्नि धधक रही थी। हाँ, वह अर्जुन की माता ही थी। किंतु हे राजमाता, आप इस प्रकार अकेले यहाँ किस कारण चली आई हैं? मुझे तुमसे एक वरदान लेना है। अवश्य, मेरा पौरुष और मेरा क्षत्रिय धर्म मुझे जो कुछ भी देने की अनुमति देंगे वह मैं आपके चरणों में रख दूंगा। आप आज्ञा करें। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। क्या, कहाँ? तुम्हें एक माता का स्नेह प्रदान करने। किंतु आप तो पांच वीर राजाओं की भाग्यशाली माता हैं, भला आपके पास मेरे जैसे नीच कुल के व्यक्ति के लिए स्थान कहाँ होगा? कर्ण, तुम्हारा स्थान तो मेरे दूसरे सब पुत्रों से भी पहले है। किंतु मुझे ये स्थान पाने का क्या अधिकार है? माता का प्रेम पाने का ईश्वर का दिया हुआ अधिकार। आपका स्वर मुझे मेरे बाल्यकाल की ओर ले जा रहा है, जो कि एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गया है। कहते हैं कि मेरी माता ने मुझे त्याग दिया था। रातों में अनेक बार वह मेरी तंद्रा में आई है और मैं रोया हूँ। अपना घूंघट हटाइए, मुझे अपना चेहरा दिखलाइए, पर व्याकृति हमेशा विलीन हो जाती है। क्या मैं आज जागते में फिर वही स्वप्न देख रहा हूँ? मेरे शत्रु की माता के मुख से अपना नाम मुझे इतना मीठा क्यों लग रहा है? मैं अर्जुन आदि भाइयों की ओर खिंचता सा क्यों लग रहा हूँ? तो
तो अब देर मत करो पुत्र, चलो मेरे साथ चलो। मैं तैयार हूँ, मेरी आत्मा आपकी पुकार सुन रही है। अचानक मुझे विजय तथा कीर्ति के लिए संघर्ष की बात झूठी लगने लगी है। बताइए आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? उधर नदी के उस पार। क्या वहाँ मेरी खोई हुई माता मुझे मिल जाएंगी? हाँ मेरे पुत्र। आपने मुझे पुत्र कहा? क्या आप सचमुच मेरी माता हैं? हाँ प्रियकर्ण। तो फिर आपने मुझे मेरे जन्म के समय त्याग क्यों दिया था? क्यों आपने मेरे और अर्जुन के बीच एक गहरी खाई बना दी? आप मौन क्यों हैं? आप भले ये मत बताइए कि किस कारण आपने मुझसे माता का प्रेम छीन लिया, बस इतना बता दीजिए कि अपने ही हाथों से नष्ट किए मेरे जीवन को फिर से सुखी करने क्यों आई हैं? पुत्र, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी माँ विवश थी, ढोकलाद से डरी हुई थी वह, उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, पर तभी से एक भयानक शाप मेरे पीछे लगा है। 5 पुत्रों के रहते हुए भी मेरा हृदय एक निसंतान माँ की तरह मुरझाया रहता है। उस मनुष्य दिन जब मैंने अपने मातृत्व को छुटलाया था, तुम कुछ कह नहीं पाए थे। आज तुम्हारी विश्वासघाती माता तुमसे सहानुभूति की याचना करती है, उसे क्षमा देकर पाप मुक्त कर दो। माता, मेरे आंसू स्वीकार कीजिए। कर्ण, मैं केवल तुम पर ममता लुटाने की आशा से नहीं आई, बल्कि तुम्हारा अधिकार तुम्हें लौटाने आई हूँ। चलो चलकर एक राजपुत्र की तरह अपने भाइयों में अपना स्थान पाओ। पर सच में तुम एक सारथी का पुत्र हूँ, आप मुझे एक ऊंचे परिवार का यह सम्मान मत दौड़ाइए। जो भी हो, अब चलकर अपना वह स्थान लो जिस पर तुम्हारा सच्चा अधिकार है। आप ही ने तो मुझे एक माता के प्रेम से वंचित किया था, क्या आपको इस तरह मुझे एक राज्य का लालच देना शोभा देता है? धिक्कार है मुझ पर यदि मैं सारथी के घर में अपनी माता को त्याग कर राजाओं की माता को अपनी माँ मान लूं। पुत्र, तुम महान हो, मेरे लिए ईश्वर के शाप ने एक छोटे से बीज से बढ़कर विशाल रूप ले लिया है। माँ के द्वारा त्यागा हुआ एक नन्ना शिशु आज युवा होकर अपने भाइयों का ही संहार करने चला आया है। माता, आप तनिक भी ना डरे, पांडवों की जीत तो श्री कृष्ण ने निश्चित कर दी है। अब जिनकी नियति हार ही है, उन्हें छोड़ जाने के लिए मुझे मत कहिए। पांडव अपना राज्य पा ले, किंतु मुझे पराजितों के साथ ही रहना होगा। परंतु पुत्र। हाँ, मैं अर्जुन के वध के लिए प्रणबद्ध हूँ, किंतु आपको वचन देता हूँ कि दूसरे भाइयों में से किसी का भी वध नहीं करूँगा। इस प्रकार मेरे वे अर्जुन के युद्ध का कुछ भी परिणाम हो, आप फिर भी 5 पुत्रों की ही माता रहेंगी। किंतु कर्ण। माता, मेरी जन्म की रात आपने मुझे निर्वस्त्र और गुमनामी के कलंक के साथ छोड़ दिया था, आज फिर मुझे बिना कोई दया किए पराजय और मृत्यु की आशा के साथ छोड़ देने की कृपा करें।